हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हेल्प में। और आज की वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये था कि किसी सब्सक्राइबर ने व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किया था कि सर, मैंने 32 इंच की एलईडी टीवी परचेज की है सैमसंग की और 16,500 रुपये उसने पे किए हैं, तो क्या वाकई में ये एलईडी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। उसको जानने के लिए उन्होंने मुझे फ़ोटो सेंड की थी व्हाट्सएप पर। जब मैंने फ़ोटो देखी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एलईडी डुप्लीकेट है, क्योंकि उसके ऊपर जो रिमोट है उसके ऊपर लोगो चिपकाया हुआ है, एलईडी के ऊपर लोगो चिपकाया हुआ है। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देते हैं, जिससे कि लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिल पाए कि मार्केट में सैमसंग की एलईडी कैसे डुप्लीकेट बिक रही है, यानी कि लोग कैसे स्कैम चला रहे हैं, डुप्लीकेट एलईडी कैसे बेच रहे हैं सैमसंग की। आप लोगों को मैं बता दूँ कि 90% एलईडी मार्केट में डुप्लीकेट बिक रही है, यानी कि सैमसंग की 90% एलईडी डुप्लीकेट बिक रही है। और उसी को रोकने के लिए हम हमारे चैनल पर इतने सारे वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, उस सभी के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें। और हमारे हेटर्स भी बहुत हैं जो हमें डिसलाइक करते हैं, गालियाँ बोलते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप इतना टाइम निकाल के मुझे गालियाँ बोलने के लिए आप टाइम निकाल रहे हो, उसके लिए आप सभी को थैंक यू। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर विजिट करें और ऊपर की तरफ जहाँ चैनल आर्ट होता है वहाँ पर मैंने व्हाट्सअप नंबर डाल दिए, वहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारे चैनल स्मार्ट हेल्प को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल स्मार्ट हेल्प को सब्सक्राइब कर दें और पास में दे रखी नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये है सैमसंग की जो मार्केट में डुप्लीकेट एलईडी बिकती है, यानी कि जो कॉपी यानी कि फेक एलईडी जिसे ओरिजिनल बोल के बेचा जाता है, वो एलईडी हमारे पास है आज। और आपको बता दें आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्रंट में यहाँ पर ये लोगो है, आप देख सकते हैं ये चिपकाया हुआ है, पूरा क्लियर आपको दिखाते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चिपकाया हुआ है, इसके ऊपर ये पॉलीथिन लगी हुई है और आप देख सकते हैं आराम से ये निकल जाएगा। ये देखो, अगर ये ऐसा नहीं निकले, अगर पॉलीथीन ऊपर नहीं हो और ऐसे चिपका हुआ हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चिपक गया है, तो इसको आप नाखून ऐसे घिसोगे तब ये लोगो ऑटोमेटिक यहाँ से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब नाखून घिसते ही ये लोगो चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसके वर्ड यहाँ से निकल चुके हैं। और दूसरी इसकी बात बताता हूँ मैं आपको, पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोगो लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन मलेशिया। इसी टाइप के लोगो मार्केट में लगाते हैं लोग, फिर बोलते हैं कि ये तो भाई ओरिजिनल एलईडी है और ये तो मलेशियन है, बाहर से इंपोर्ट करवाई हुई। ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे की तरफ कुछ नहीं है, खाली स्टिकर लगाते हैं ऐसे खाली ऊपर और बोलते हैं ये तो मलेशियन है, कोरियन है, पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड बोलते हैं, फिर आपको बेच देते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका रिमोट, आप देख सकते हैं ये इसका रिमोट है, इस पर ये सैमसंग लिखा हुआ है। जिस बंदे ने मुझे फ़ोटो सेंड की थी व्हाट्सएप पर, इसी टाइप का रिमोट था और इसी टाइप से उसके ऊपर लोगो चिपकाया हुआ था। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर ये लोगो निकल रहा है और या फिर ऐसे चिपका हुआ होगा उसके ऊपर और पॉलीथीन नहीं होगी तो भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोगो नाखून घिसते निकल जाएगा। अब मैं आपको बता दो एलईडी ऑन करके कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये एलईडी टीवी चालू हो गई है, जो हमने बूट लोगो अंदर इंस्टॉल किया था, जब हम एलईडी ऑफ करके ऑन करते हैं जब वो लोगो आता है उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। आप यहाँ पर मेनू वाला ऑप्शन यहाँ पर प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर की और लास्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन वाला, हर किसी में अलग अलग होता है यहाँ पर सेटिंग, इसमें अलग टाइप का है। इसमें जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रीसेट वाला ऑप्शन है, आप जब रीसेट करेंगे तो जो बूट लोगो था वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा।
इसी तरह से आप किसी भी असेंबल एलईडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि किसी ने डुप्लीकेट एलईडी बना रखी है सैमसंग की और अगर आपको ओरिजिनल बोल के बेच रहा है तो उसे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखकर आप किसी भी फेक एलईडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ एंड में इसका बॉक्स कि बॉक्स के ऊपर लोगो कैसे प्रिंट रहता है उसके बारे में आपको एंड में बताता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका बॉक्स है, इस पर ये लोगो प्रिंट किया हुआ है। जब आप यहाँ पर इस पर नाखून घिसेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर नाखून घिसते ही यहाँ से ये लोगो रिमूव हो जाएगा। आप कभी भी एलईडी टीवी परचेज करने जाते हैं और ऐसा आपको बॉक्स दिख जाए, आप देख सकते हैं इस टाइप का अगर आपको बॉक्स दिखता है तो आप जब उसका लोगो देखें तो वहाँ पर आप नाखून घिसें इस टाइप से। जब आप नाखून घिसेंगे तो यहाँ से ये लोगो रिमूव होना चालू हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और कोई ब्रांडेड लोगो होगा यानी कि किसी ब्रांड की एलईडी है उसको उसका लोगो कभी भी यहाँ पर रिमूव नहीं हो सकता। अब मैं आपको बता दूँ इसकी यूज़र मैनुअल वगैरह। अगर आप किसी ब्रांड की एलईडी लेते हैं तो उसका भी यूज़र मैनुअल उस ब्रांड का ही होगा। और इसमें आप देख सकते हैं ये असेंबल का है, ये कोई ब्रांडेड नहीं है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, खाली ये लिखा हुआ है यूजर मैनुअल, बस इतना ही चाहेगा, बाकी इसमें कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्मार्ट हेल्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब बिल्कुल ही फ्री है और सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। और सब्सक्राइब करते वक्त ध्यान रखें पास में दे रखी नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें जिससे कि आपको हमारे फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। ज़्यादा पलड़ो, ज़्यादा मिनी आकरो, मिनी आकरो मैं ज़्यादा पलड़ो, ऊपर शोको बूटा मैं बैठेगा ऊपर आओगे कैसो अपना बाहर रिप्लेस ना भाई, बस बस रात कैसो कैसे रे, बस कौन पॉइंट शॉट यूज़ होता है कम पॉइंट में, वो दरोगा बूटा मैं जा पूरी खराबी साइड दी भाई, माता कैसो खेले आप बस उखड़ी हो थोड़ो
ओके टेक रहा हूँ सही।